हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड माई चैनल नेम इज गाम्यास चैनल। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्या कर रहे हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों ने मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों ने मुझे Instagram पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे रेगुलर रहती हूँ। इनफैक्ट गाइज, मैं सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी मेरा जो वीडियो है वो मैं मीन्स बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जा रही है, तो आई एम सो सॉरी। और इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये नेकलेस अच्छा लग रहा है, आप जानना चाहते हो कि मैंने ये कहाँ से परचेस किया है, मुझे नहीं पता कि ये जो वीडियो है वो इसके पहले जाएगी या बाद में जाएगा, तो मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस नेकलेस वो आपको मिल जाएगी। तो विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइज, आज मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो लेके आई हूँ जो कि है ट्विंकल रेजर का। गाइज, इसमें आपको तीन रेजर मिलते हैं जिसमें से कि दो मेरा मैंने कहाँ रखा है वो मिल नहीं रहा है, एक ये है और बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। आप इसको मीन्स कभी भी आपको सडनली से कहीं जाना है और आपका जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है या थोड़ा बहुत है तो आपको ट्रिम करना है तो ईजिली आप उससे ट्रिम कर सकते हो। मैंने अमेजोन से परचेस किया था, अगर आप उसको परचेस करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये है ट्विंकल आईब्रो रेजर। अगर आपकी जो आईब्रोज है वो ग्रोथ हो गई है बहुत ज़्यादा या अपर, मैंने इससे अपर लिप्स किया है बहुत टाइम, मैंने बहुत बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ अपर लिप्स के लिए, और आईब्रो मैंने वन टाइम ही इससे क्लीन किया है। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ में इसका फर्स्ट इंप्रेशन शेयर कर रही हूँ या पहली बार में ही मैंने इसको यूज़ करके आपके साथ में शेयर करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे पर्सनली पसंद आया, इसके लिए मैं आपके साथ में आप जो इसका रिव्यू है वो शेयर कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद आया तो आपको भी पसंद आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बॉडी होती है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आप एक बार इसको यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। गाइज, मैं आराम से ही कर रही हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती इसके लिए मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने वीडियो को। अगर आप रेजर यूज़ करते हो तो आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आप यूज़ करते हो तो भी मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। कुछ इस तरीके का मिल जाता है, इसमें ये कवर लगा हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ब्लेड है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना है। बिल्कुल भी आप जल्दी जल्दी में हो तो ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, इसको यूज़ करने से पहले आपके पास में इनफ टाइम होना चाहिए जिससे कि आप केयरफुली इसको यूज़ कर सको। और इसमें लिखा है ट्विंकल आईब्रो रेजर रिमूव्स द फाइन हेयर्स ऑफ द आईब्रो नेक एंड फेस एज वेल एज अननेसेसरी हेयर्स। बट गाइज, मैंने और कहीं भी इसको यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपने अपर लिप्स के ऊपर और आईब्रोज को क्लीन करने के लिए यूज़ किया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आप यहाँ चिन वगैरह के कर सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया है। और एक्चुअली गाइज, मुझे इतना एक्सट्रीमली हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको यूज़ नहीं करिएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी जो हेयर है सेम वैसे ही हेयर आपको आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने रेजर यूज़ कर लिया तो आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा आएंगे या बहुत ही हार्ड आएंगे, ऐसा नहीं। इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, फर्स्ट रिमूव द सेफ्टी कैप फ्रॉम द रेजर। सबसे पहले उसको यूज़ करने से पहले आपको जो उसकी सेफ्टी कवर है उसको रिमूव कर लेना है। ग्लाइड द रेजर सॉफ्टली डाउनवर्ड, डोंट प्रेस टू हार्ड। आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन्स यहाँ पे आपके अपर लिप्स हैं तो उसको ऊपर के साइड में नहीं करना, आपको नीचे डाउनवर्ड में इसको करना है और बहुत ही लाइट हैंड से करना है, बहुत ही उससे हैवी हैंड से नहीं करना है। फॉर मोर इफेक्टिव यूज़ अप्लाई द सेविंग क्रीम बिफोर सेविंग। तो मैंने
इसको यूज करने से पहले सेविंग क्रीम तो यूज नहीं किया था, बट हाँ मैंने मॉइस्चराइजर या फिर आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। मैंने एलोवेरा जेल यूज किया था। आफ्टर यूज बी श्योर टू पुट द सेफ्टी कैप एंड द रेजर एंड कीप इट आउट ऑफ द चिल्ड्रंस। यस, आप इसको यूज करने के बाद इसका जो सेफ्टी कवर है वो लगा दीजिए इसमें, इससे जो है इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा और सेफ्टी रहेगी। और गाइज ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, तो मैं मेड इन चाइना प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट ये मेरे पास में था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर किया जाए। ये था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, रिव्यू नहीं मीन्स एक अवेयरनेस टाइप का वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।